तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अपना इनक्यूबेटर आ चुका है, जो पैराफल गन स्किन के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो चलिए इसके अंदर चल के मैं आपको एनिमिनेशन और सब कुछ बता देता हूँ इसमें कैसे क्या आपको, मतलब कितने डायमंड देख सकते हो। मेरे पास 15 वेपन रॉयल वाउच, मतलब इनक्यूबेटर वाउचर पड़े, तो इसे हम यूज करेंगे। देखेंगे आप उनका क्या लक रहता है भाई साहब, कितने तक अपन को टॉप वाली मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। देख सकते हो डबल डैमेज की टॉप वाली है, और सेकंड पे सिंगल रेट ऑफ फायर है, डबल रेंज कर दी गई है, और भी अलग अलग सी काफ़ी ठीक ठीक सी है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले अपन कैरेक्टर को चेंज करके फिर इसमें अपन 15 वेपन रॉयल वाउचर पड़े वो लगाएंगे। तो चलिए यहाँ से कैरेक्टर को चेंज कर लेते हैं, सबसे नूब कैरेक्टर चलिए इसको ले लेते हैं अपन, और 6 से 7 बार क्लीन चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से ये भी कर लेते हैं, ये क्या है ट्रिक, थोड़ी बहुत है, अगर यूजफुल हो तो काम में आ जाती है, बाकी तो कोई बात नहीं। तो चलिए अभी चल के आपका डायमंड लगा के, मतलब ये वाउचर लगा के देखते, चलिए एक एक लगाते, क्योंकि भाई एक एक लगाने में काफ़ी मतलब ठीक सा रहता है। तो देख सकते हो भाई साहब, देखा जो भाई साहब मेरे इस ट्रिक को फॉलो करके उसको भी ऐसे करके मतलब मिल जाएगा। तो चलिए अभी और भी मेरे पास बहुत सारे पड़े, लेकिन अभी मैं लगाते जाऊँगा, अगर और भी मिल जाएगी तो काफ़ी ओपी वाली बात होगी। तो देखते हैं क्या मिलता है, अभी वापस थोड़ा सा पीछे रुक गया, तो चलिए इसे भी ओके करेंगे, वापस करेंगे एक और मतलब वाउचर का स्पिन। ओ भाई साहब, भाई क्या ही तो लक है भाई, ये वीडियो का अगर व्यूज़ नहीं आएंगे ना उस टाइम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, तो भाई साहब क्या ही बोले, इसके लिए आपको पाप लगेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर इस वीडियो को आपने एक और खुल गया तो भाई साहब क्या मैं बोलूँ। तो चलिए यहाँ से कर लेंगे भाई साहब, मैंने पहले भी एक मतलब वो अपना गोल्डन शेड वाला जो इंक्यूबेटर आया था उसमें नेवी शेड वाला मैंने क्या है बस ऐसे टोकन से खोला था। तो चलिए वापस करेंगे, देख सकते हो अभी किया है, अभी मिल गया अपन को। ओ भाई साहब, तो चलिए इसे भी कर लेंगे ओके। चलिए एक और करते हैं, अभी मेरे पर 8 और पड़े हैं, तो अभी एक और अपन को मिल जाएगा तो काफ़ी ओपी सा। और यार मैंने सोचा स्टोन मिल जाएगा, तो चलिए यहाँ से करेंगे वापस से स्पिन, देखते क्या मिलता है क्या मिलता है। एक स्टोन दे दे, स्टोन भी नहीं दिया भाई साहब, तो कोई बात नहीं, अपन को 2 ब्लूप्रिंट मिल चुके हैं। तो इसे यहाँ से वापस एक और अपन वाउचर का यूज़ करेंगे, एक और मिल जाए जा भाई साहब, अरे यार एक और मिल जाता तो सबसे टॉप वाला निकाल लेते। चलिए यहाँ से वापस करते हैं स्पिन, देखते हैं क्या मिलता है। तो भाई साहब अभी लग थोड़ा सा फीका पड़ गया है, तो चलिए यहाँ से टैप 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 करके यहाँ से मैं ले लेता हूँ, अभी देखते क्या मिलता है अपन को। तो वापसी चिमगांडी गिरी चीज़ें मिल रही है, तो चलिए इसे भी ओके करेंगे। अभी 4 वाउचर और पड़े, अगर आपके पास भी वाउचर हो तो एक एक करके लगाना, क्योंकि जैसे ही एक एक करके लगाओगे वहाँ से आपका लक बढ़ जाएगा, मतलब 5 करोगे तो उसमें नहीं ज़्यादा निकलने का चांस नहीं होता। तो चलिए यहाँ से वापस करता हूँ मैं स्पिन, भाई साहब क्या ही तो चिमगांडी गिरी निकल रहे हैं, एक भी स्टोन नहीं मिला भाई साहब, एक तो स्टोन भी मिलना चाहिए अपन को। तो चलिए यहाँ से वापस मैंने कर दिया, एक स्टोन तो मिलना चाहिए, तो देख सकते हो गाइस एक और स्टोन भी अपन को मिल चुका है। अभी एक और ब्लू प्रिंट मिल जाएगा तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, सबसे टॉप 1 वाली निकाल लेंगे अपन। तो देख सकते हो गाइस 2 ब्लू प्रिंट और 2 स्टोन निकल चुके हैं, तो अभी मैं अभी नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि बाद में जाके निकालूंगा, क्योंकि भाई मेरे को एक और निकल जाएगा मेरे को पता है, तो ये सबसे टॉप 1 वाली निकालूंगा, क्योंकि भाई काफ़ी ओपी सी और लेजेंडरी है। तो आप भी अगर 5 2 निकल गए होगे तो और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना। अच्छा कहीं चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ट्रिक को जरूर कोई भी फॉलो करेगा तो उसके भी निकलने के चांसेस रहेंगे।